नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर अरविंद यादव है। मेरे A to Z करियर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 27 जनवरी यूपी पुलिस 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं यहाँ पे एप्टीट्यूड का जो है उसको लेके आया हूँ। और मेरा एक टेक्निकल फोल्डर भी है, उसमें से भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं टेक्निकल का भी क्वेश्चन कराता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो सीरीज हमारे पास डी सीरीज है, इसका क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें दिया हुआ है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। तो पूछा है कि 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकेगी। आप इसको निकाल सकते हैं कि आप अगर हम क्या करते हैं कि 45 किलोमीटर जाते हैं कितने 60 मिनट में, तो 36 किलोमीटर कितने मिनट में जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 48 मिनट। अब 60 बटे 48 माइनस आप कर दोगे तो कितने मिनट रुकेगी, 12 मिनट रुकेगी। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया 5:6 तथा इसके क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है कि लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका डी ऑप्शन आप देख रहे हैं कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1:90 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे हिंट के रूप में आपको सॉल्व करके दिया है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से जैसे 5 into 6 से इक्वल टू आपको एरिया दिया उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 15 आ जाएगी, और यहाँ से फिर हम एल 5a की बराबर हो जाएगी 75 75, और 6750 का रेशियो निकालेंगे तो 1:90 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात करिए। तो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 1001 होगी और 13 से भी विभाजित होने वाली 1001 होगी। अब इनके अंकों का योग कह रहा है, तो 1 + 0 + 0 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले में करेंगे 1 + 0 + 0 + 1 तो तब भी 2 आ जाएगा, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकी संख्या को 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 13 से सबसे छोटी 3 अंकों वाली 104 हो जाएगी और उसे 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका ऑप्शन 8 आ जाएगा, डी सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसमें है कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करिए, अगर इसका वर्गमूल आप फाइंड आउट करोगे तो 81 आ जाएगा, और कह रहा है कि अपने वर्गमूल से फिर इस संख्या को विभाजित करेंगे, अगर फिर सब आप 81 को इससे डिवाइड करोगे तो आपका 81 ही आएगा, जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो जो हमारा व्यास होता है, जो हमारी त्रिज्या होती है, उसका 2 गुना होता है। तो अगर हम इसको पाई आर स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, अगर करेंगे पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 गुना ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स के खाते में इतना का शेष और इतना जमा करने पर और इतने की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। तो उसमें दिया है कि आपको 86.54 में 55.31 ऐड करना है, उसके बाद जो आ जाएगा उसमें से 84.33 को माइनस कर देंगे तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा 57.52, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया तो परिणाम। तो हमने मान लिया कि संख्या यहाँ पे ए है, उसे 3003 से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर 7, 11 और 13 के लघुत्तम से उसे डिवाइड किया, फिर कह रहा है कि उसे उस खुद की संख्या से भी डिवाइड किया गया तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इनको अगर हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा निकल के, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 10x + 5 एक ब्रैकेट में है, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 42x + 8 का रेशियो 5:8 का ट्रिपल हो जाए तो इसको हम क्या करेंगे कि 10x + 5 / 42x + 8 = ट्रिपल कह रहा है, तो इसलिए 5 की पावर 3 कर देंगे तो 125 आ जाएगा और 8 की पावर 3 कर देंगे तो ये 512 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10x + 5 = 125 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1728 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। तो 40 का वर्ग मतलब 40 क्रॉस 40 और 40% मतलब 40/100 हो जाएगा। यहाँ पे आप 40 क्रॉस 40 क्रॉस 40 / 100 क्रॉस 4 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 160 आ जाएगा, जो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ फाइंड आउट करें। तो इसको हम रिवर्स से करेंगे तब जाके होगा। हमने ये मान लिया कि हमारा जो सीपी है वो 100 है और प्रॉफिट हमारा कितने 100 है,
तो हमारा सेलिंग प्राइस कितने हो जाएगा, 200 को हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस 3 गुना हो रहा है तो 600 रुपये हो जाएगा और प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, 500 को हो जाए, तो लाभ कितना का हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो इसको हम रिवर्स मेथड से सही करेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इतने रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6000 खर्च करता है और स्कूटर को इतने में बेचता है, तो उसका लाभ कितना है। तो सबसे पहले हम 42000 में ये 6000 जो ऐड कर लेंगे, उसके बाद क्या है, 5400 में से घटा देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 6000, और 6000 पे और जो हमारा दिया हुआ है आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है 48000, उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.5% आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, 110 लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई, कितनी छूट की पेशकश की गई। तो 5.5 आपका हो जाएगा इंटू 100 अपान में 110, मतलब 110 कर देंगे तो 5% आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, चक्रवृद्धि ब्याज का है, आपको इसमें दे रखा है, टाइम दे रखा है और आपको यहाँ पे 2 वर्षों का ब्याज दिया और 3 वर्षों का भी दिया हुआ है और इसकी रेट आपसे पूछ रहा है, तो 2 और 3 वर्षों में से 1 वर्ष का अंतर हो जाएगा, तो 1 वर्ष में हमारा डिफरेंस आ जाएगा 80 का, 80 क्रॉस 100 कर देंगे, जो बेस हमारा है कितना है, 1600 है, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा 5% आ जाएगा, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चक्रवृद्धि ब्याज से है, जिसमें आपको दिया गया है कि 1 वर्ष में और अर्धवार्षिक कह रहा है और दर दिया हुआ है 4%, और जब अर्धवार्षिक कहता है तो इसमें क्या होता है, रेट आधी हो जाती है और जो टाइम होता है हमारा डबल हो जाता है, तो इसको हम हल सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 26010, आंसर बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54A ने इतने के साथ एक कारोबार शुरू किया और बी कुछ समय के बाद इतने रुपए के साथ उसमें शामिल हो गया, यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी की साझेदारी आपसे वो पूछ रहा है। तो वर्ष के अंत में कहा, मींस एक जो ए है वो पूरे 12 महीने वर्क करता है और हमने मान लिया कि बी जो है कुछ टाइम एक्स टाइम बाद आ गया, तो जो 75000 है उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम क्या करें, जो 37000 है उसमें 12 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, उनका रेशियो हमें दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, इस कारण से कक्षा के औसत में 0.5 से बढ़ गए, कक्षा में छात्रों की संख्या पूछा है, तो 68 और 88 का डिफरेंस हम जब फाइंड आउट करेंगे तो 20 आ जाएगा और जो औसत बढ़ा हुआ हमारा 0.5 इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, ए कह रहा है कि ए बी से दुगुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है, यदि ए सी कोई काम 30 दिनों में सॉल्व कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम कर लेंगे, तो इसमें हमें उसकी एफिशिएंसी दी हुई है, आपको पता है एफिशिएंसी और जो डेज होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इससे हम सी की वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन 3 निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर पर आवर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से आप इसमें देख रहे हैं कि दोनों में क्या है कि हमारी जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो डिस्टेंस बराबर करके अगर हम स्पीड यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो हमारा 600 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम्स है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो मैं उसको जरूर आपको सॉल्व करूंगा, और मैं टाइम टू टाइम इस तरह की बनाता रहता हूँ कंपटीशन से रिलेटेड, जो यूपी पुलिस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल हूबहू आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब, और मेरा A to Z करियर में एक टेक्निकल के नाम से एक फोल्डर है, मैं वहां पे टेक्निकल की चीजें प्रोवाइड करता हूं, वहां से आप देखेंगे डायमेंशन हो गया और आपका प्लेनेट से रिलेटेड चीजें हो गई, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीजें हो गई, जो कॉमन से एग्जाम में चीजें आती हैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से मैंने उनको वहां पे बना के डाल रखे हैं, उससे 4-5 क्वेश्चन आपको आते हैं, आज यूपी पुलिस में भी डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।